अस्सलामुअलैकुम मौज़े ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। अभी मेरी फ़्लाइट, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और 3 घंटे मेरी फ़्लाइट को रहते हैं। उन 3 घंटे से पहले मैंने कहा क्यों ना कि हम ये जो इतना खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है, इसमें जो इतना पैसा ज़ाया किया गया है, इसके ऊपर एक जो है वो मुआयना किया जाए और इसके ऊपर आपको जो है वो अनबिलीव ट्रुथ बताए जाएँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ एक इंजीनियर मुबीन, एक इंजीनियर जो हमने साउथ कोरिया से मंगवाए हैं स्पेशल, वो अभी आ जाएगा। वो मुआयना करने गया हुआ है सारा, वो थोड़ी देर बाद मुआयना करके आएगा। उसका नाम है गुलफाम, इंजीनियर फ्रॉम साउथ कोरिया, मुबीन अमीन, इंजीनियर फ्रॉम जो है वो अमेरिका, और मैं उमर असलम, आप मुझे जानते हैं सारे। तो मुबीन साहब, की हिसाब था आप इन्हें? मैं काफ़ी देर का बैठा देख रहे हैं कि इन्होंने ना ये छत था, मुझे लगता नहीं पाई टीन डबल लाते प्रोजेक्ट से। मैं गया कानपुर ना, पाकिस्तान कानपुर के जिला रिमरका के वो बनया स्पोर्ट्स कंपलैक्स, उत्थे इंजीनियर ने किया सप्लाई, उन्हें भी चंद पंद इदा की छत नहीं सी छा, मैं इतने भी काम उ लगता मैं पहले बार नहीं कर रहा। इन्होंने मुताबिक हूँ जी छत बनी है ना, अगर तुम कैमरामैन विखा सके छत जी है, छत टीन की बनी है। तो साडा इंजीनियर जो वक्रा आएगा ना, वक्रा इंजीनियर, वह ना है वक्रा इंजीनियर फ्रॉम साउथ कोरिया, वो तुम होर गल दसेगा। वो मुताबिक आ जो पैप लगे ने ना, जो पैप तुम जो पैप नज़र आ रहे हैं, वो मुताबिक ये पैप लगी ने, अगर खुदा ना खास्ता अग शग लग जाती है ना, इन्हें पानी स्टोर, इन्हें पानी स्टोर है, इन्हें चो पानी आएगा। उन्हें सानू इफेक्ट दसिया, ये कैमरा जो बंद सगा ना, ये उदों मैंने उन्हें दसिया कि ये पाई पानी स्टोर होंगे। वो मुताबिक वो जीडिया बोलिंग लगियां ने ना, बोलिंग उन्हें क्या अक्सर औकात क्रिकेट टीम आती है ना, वो इतने घंटा घंटा चार चार घंटे वेट करती है, उन्होंने टाइम ना जाया हो क्रिकेट प्रैक्टिस करने वास्ते ना, उन्होंने पिछले गेंदा बनाई ने, उतो गेंदा निकलदी ने, कैच कर दे, ये कैच करते हैं, मतलब उन्होंने फील्डिंग जो है ना सिक्योर करने वास्ते उन्होंने पिछले जी गेंदा वास्ते बनाया। एक जरा पोल लाया ना, लाया कैमरा के उत्ते होना भी नहीं चाहिए, कैमरा तो कितने भी ला सकते हैं, फजूल खर्चियां की बड़े शहन शाह लोग रेंदे नहीं है, मुल्क इन्हों का दिवालिया होने आया वा, 11,000 डॉलर दिते होया वा, तो इन्होंने हिसाब का देख लो कैमरा लाने वास्ते कोल ला दिता। तो दूजी गल है, साडा जिहड़ा इंजीनियर सीगा ना, जिहदा नाम हैगा कि जिहड़ा इंजीनियर दा नाम फ्रॉम फ्रॉम साउथ कोरिया, नहीं उहदा एक होर भी नाम सीगा, स्पैशल इंजीनियर है ना यार, यार हर किसी के सामने नहीं आता। अच्छा नहीं नहीं उहदा यार हुणी मैं नाम लिया सी, मैं नाज़रीन मैं नाम भुल गया उहदा। उहदे मुताबिक जिहड़ा पीलर लगे ने ना, हाले इस वास्ते लगे ने, जिहड़ी विंडो है खुदा ना खासता एमरजेंसी दे विच लोहे दी छत डिग जांदी है थल्ले, तो लोग भज के थले खड़े हो जाएंगे ताकि लोगों का नुकसान ना होए। वो मुताबिक ये लगता है उन्हें ह्यूमैनिटी की गल की, उन्हें ह्यूमैनिटी की गल की, उन्हें क्या खुदा ना खासता बंदे डिग जाए। अच्छा फिर मैं तुमको पूछा कि टेबल जे ने गोल क्यों बनाए ने, उन्होंने ये जे टेबल ने ना, ये टेबल पाए थानू नज़र आ रहे हैं, ये गोल क्यों ने? कहिंदा इत्थे भी हिस्ट्री बनेगी जिवें पाकिस्तान की बनी सी गोल मेज कॉन्फ्रेंस, कहिंदा इत्थे भी कहिंदा कॉन्फ्रेंस वास्ते ने। दूजी गल उन्हें क्या इहदी बड़ी अच्छी रीज़न दसी उन्हें मैनूं, उन्हें क्या खुदा ना खास तुसीं इत्थे बैठे हो, एमरजेंसी हो जाए, छत डिग जाए, तुसीं भज के थले वड़ जाओ, तो ये थले वड़ोगे तो तुहानूं कोई मसला ही नहीं होएगा। उन्हें बड़ी लॉजिकल गल दसी है नाज़रीन, फिर तो इन्हां नूं छत नहीं सी पाउणी चाहीदी, बंदे थले बह जांदे, गल तो ठीक है वैसे उहदी। तो उहदे मुताबिक एक होर भी नाज़रीन बड़े अहम फैक्ट ने, असी एयरपोर्ट का दौरा करांगे तुहाडे नाल, ए समरकंद उज़्बेकिस्तान का एयरपोर्ट है, तुहानूं सारा एयरपोर्ट विखावांगे, तो तुहानूं असी एवें-एवें दे फैक्ट दसांगे जिहड़े दुनिया के वड्डे वड्डे इंजीनियर नहीं दस सके। तो साडा इंजीनियर मुआयना करन गया स्पैशल, उन्हूं सद्या गया जिहड़ा इन्हां दा प्रेजिडेंट शौकत मिर्ज़ाई, उन्हें फोन करके सद्या इन्हूं, तो वह हुण स्पैशल मुआयने ते गया, तो मुआयने तो बाद आएगा, तो फिर तुहानूं असी उहदे फैक्ट सुणावांगे। जिहदे वास्ते तुसीं ना नाज़रीन एक चीज़ होर मैं दिखाना, कैमरामैन दिखावे, तुहानूं जालियां नज़र आ रही होनी, आ जालियां तुहानूं लागे जाके दिखाउंदा मैं। साडे इंजीनियर के मुताबिक ना, एड्डा वड्डा एयरपोर्ट आ, जालियां उन्होंने तद लाइया कि बंदा कितों कितों गंद इकट्ठा करता, फिर इतने झाड़ू मारिया तो गंद छोड़ता थले, गंद चला जाता। नाज़रीन ये समरकंद का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हम आए हैं, तो अभी हम इनके चेक करते हैं। अच्छा एक बात है कि दुनिया के सारे एयरपोर्ट ना बहुत महंगे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके एयरपोर्ट पे ना तकरीबन वही रेट हैं जो आम तौर पे जो है वो आपको रेट मिलते हैं। तेरा मुंह है कौन वाला? नहीं मैं कौन नहीं, मैं वो देख रहे हैं कप लेने लगा, नहीं कप क्यों लेने लगा, बस मेरा सारी जिंदगी तो कौन चूसता रहा हूँ तेरी कप की बारी, कौन नहीं अंगूठा चूसता रह गया, तू गलत समझे नहीं, तो तू पहले तो एडी भाई को पंजा की कौन खाता रहा हूँ, तू इतने 10,000 सोम यानी पाकिस्तानी 250 रुपए की आइसक्रीम खानी है, चल उन्होंने लभ के लिए कोई गुआच गुज जाएगा किसी का, लोगों कहेंगे न्याणा हूँ ही लगा उन्होंने लपना। नाज़रीन नाज़रीन साडा एक इंजीनियर आ रहा, असी चुप करके वो कोल जाते हैं, तो बड़ा मसरूफ चल रहा अजकल, तो असी उन्हें पूछते हैं कि उन्हें जड़ा की उन्हें वेख्या, उन्हें जो भी एयरपोर्ट के देखा होएगा, और हम फिर आपको वो बताएंगे कि नाज़रीन उसने क्या देखा है। हमारा इंजीनियर आ गया यहाँ पे, ये स्पेशल इंजीनियर। इंजीनियर साहब तुसी पूरे एयरपोर्ट का दौरा करके आए हो माशाल्लाह,
एंड तो इत्थे तक की रिव्यू ने ताडे सर आई एम नॉट इंजीनियर नहीं तुसी साउथ कोरिया चो सो आई हैव नो कमेंट्स ये इंग्लिश कहां से सीखी आपने अ लिटिल बिट फ्रॉम यू ब्रदर या ऑफ कोर्स नहीं एड्डा मुंह विंगा करके क्यों बोल रहे लक पा होया तेन मेरी गल सुन या ब्रो मुबीन का काम चेक कर yes. सारी जिंदगी पंजा पंजा ली कौन खांदा रहा हूं 10,000 सोम दी आइसक्रीम खान दा सोच रहा 10,000 सोम्स ओह माय गॉश ए गोश्त की हुंदा है भाई गोश्त गोश्त ब्रो एनु लेट्स गो कह रहा गोश्त चाहिए मेनू गोश्त चाहिए तेन मैं दवांगा बेटा हड्डी तो बगैर कभी टेंशन नहीं है अब बहुत टाइम है अभी आप इंजीनियर आप यार बाद में खाते हो ना आप इंजीनियर है आप रिव्यू करें पूरे एयरपोर्ट का मेरे दो भरा ने जेडे पूरे एयरपोर्ट का मुआयना कर रहे ने ते भाई जान आप पूरे एयरपोर्ट का जो मुआयना कर रहे हैं क्या अभी तक आपने पाया फजूल पैसे लाए ने यार चवली मारी है अल्लाह की कसम मतलब आपके मुताबिक उर्दू में बात करें ना हमारी ऑडियंस को पंजाबी बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती भाईजान इन्होंने ना एक किस्म की बकवास ही की है एयरपोर्ट बना के कोई जरूरत नहीं थी एयरपोर्ट बनाने की मतलब इनके मुताबिक ये है कि एयरपोर्ट होना ही नहीं चाहिए रोड पे जहाज उतार दें तो क्या है इतनी बड़ी इनकी प्यारी प्यारी रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बड़ा प्यारा है ये बाहर वाली रोड जिसपे हम आए हैं हमारी गाड़ी बाहर जिस खड़ी हुई है तो गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे खड़ा करके उसे जहाज ला दें ये भी तो गाल ठीक है वैसे पैसे ला दें हाँ पैसे की जरूरत नहीं है ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰੋ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਓ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪਾਗਲਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ बड़ी इंग्लिश बोल रहा है आजकल भाई साफ कर रहा भाई तो जब ये सफाई कर रहा था गुलफाम उधर से आया उसको आके कहता है कि भाई ये जूता तो साफ कर दे तो नाजरीन ये एयरपोर्ट है और ये समरकंद का एयरपोर्ट है उज़्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है ये भी नया नया एयरपोर्ट ओपन हुआ है कुछ अर्सा पहले और बड़ा ही प्यारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अभी हम आपको वो एयरपोर्ट दिखा रहे हैं कुछ देर के बाद जो है वो मेरी फ़्लाइट है और मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है मुझे लगता है मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो अभी हम मैं बोर्डिंग करवाऊँगा अपनी तो कन्फर्म कर लेंगे वो स्टाफ खड़ा हो गया चलो मैं कन्फर्म करता हूँ नाजरीन ये समरकंद का एयरपोर्ट है जो हम अभी आपको दिखा रहे थे ये इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है ये यहाँ पर आपको एक शॉप भी मिलती है वहाँ से आप जो है वो अपना तमाम तर बाकी काम करा सकते हैं सामने एक कंटीन बनी हुई है तो आप तमाम तर जो है वो चीज़ें यहाँ से जो है ले भी सकते हैं अभी तक मुझे ड्यूटी फ्री शॉप्स यहाँ पे नज़र नहीं आई तो ये मुझे मुबीन बुला रहा है बार बार क्या हुआ है तो अभी मैं आपको जो कह रहा था इंजीनियर दिखा हमारा ये जो इंजीनियर है इसको कुछ नहीं पता ये सिर्फ़ एक लड़की के पास खड़ा हुआ है और पता नहीं ना इसको ज़ुबान आती है ये पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहा है ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रहा है भाई टैक्स फ्री की है टैक्स फ्री उज़्बेकिस्तान ओके आई नीड टू गो आल्सो चेक यार ये कोई टैक्स फ्री शॉप है हमें नहीं पता ये क्या है तो अभी मैं भी जाके पूछता हूँ ये क्या है टैक्स फ्री शॉप यार ये इनकी टैक्स फ्री शॉप है अगर आप उज़्बेकिस्तान में रहते हैं और जब आप वापस जाते हैं और अगर आपकी 1 मिलियन सोम से ज़्यादा आपने टैक्स पे किया हुआ है और आपके मोबाइल में ये जो ऐप है जिसका लोगो यहाँ बना हुआ है तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं और आप अपनी यहाँ से पैसे जो है वो वापस ले सकते हैं तो यहाँ से दोबारा आप गुजर के एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते हैं तो अभी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और बोर्डिंग के बाद जो है वो अभी मैं जाऊँगा अपना बैग लूँगा और छोटा सा एयरपोर्ट है ज़्यादा बड़ा नहीं है एक पोर्शन ऊपर है और ये अगर मैं जब यहाँ से इंटर होऊंगा तो मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा ये समरकंद ड्यूटी फ्री शॉप क्योंकि अभी मैं अंदर इंटर हो रहा हूँ अभी मैं सिर्फ जो है वो वेटिंग एरिया के अंदर हूँ वेटिंग एरिया के अंदर मेरे साथ दो इंजीनियर हैं और मैं ऑलरेडी इनकी जो है वो इंजीनियरिंग आपको बता चुका हूँ तो वो गुलफाम भाई अभी पूरे उमर भाई को हम भेज रहे हैं पाकिस्तान फैसलाबाद एयरपोर्ट की जाके रिपोर्ट बना के तो वो
फॉरवर्ड करेंगे हमारे हेड ऑफिस में। अच्छा तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर उसे देखने के लिए मजीद उस पर डिटेल रिव्यू के लिए गुलफाम से साहब को हम भेजेंगे जहाँ से। अच्छा तो जो उसमें वो होंगे पॉइंट्स उनको वो बता के गवर्नमेंट ये गुलफाम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये एक ही डस्टबिन रख देते, तीन को रखी हुई है इन्होंने, एक्सपेंसिस बढ़ा रही है, इन चीज़ों को बंद किया जाए। एक तरह से ये हमारा इदारा एक तरह से IMF का काम करता है, हमने उनको लोन दिया हुआ है और हम उन्हें बताएंगे कि आपकी ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ये क्या कह रहे हो आप भाई? Everywhere it's good to we have three the different one you know these dustbins. I don't know because of the one is used for the plastic items, wastage of plastic, other is for paper and other one is for metal. Tu chokdar reha ki utthon epic I think he is picking things from no, bro. If you have much enough you know what can I say to the chal band kar yaar bro. Nazreen ye mere sath do bade keemti engineer the, ye mulk aur qaum ka saas hain, ऐसे लोगों को जो है जितनी जल्दी दुनिया से भेज दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है ताकि इतने अच्छे फैक्ट आपको ना बताएं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पंजाबी ज़ुबान का कि ये थोड़ा पंजाबी और उर्दू में था क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा। अगर तो किसी इंजीनियर ने जिसको डिज़ाइन किया हुआ उसको समझ आ गई तो वो इन दोनों को ज़रूर बुलाएगा क्योंकि वो इनसे मिलना चाहेगा। सो इसी के साथ हमने आपको एयरपोर्ट दिखाया, हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हमारा ये शुगर मेला जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू अगेन।